हेलो फूडीज, चलो बनाते हैं एक अच्छा सा टेस्टी सा सैलेड। इसके लिए मैंने गेहूं ले लिया है, साबुत गेहूं है। इसके साथ ही लिए हैं भिगोए हुए काले चने, इनको मैंने रात भर भिगो रखा है। इसके बाद इन्हें कुकर में डाल लेंगे, गेहूं और चने दोनों को, और उसे पानी डालकर हम 2 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लेंगे। 2 सीटी आ गई है, हमारे चने और गेहूँ दोनों अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं, साथ ही ले लेते हैं थोड़ा कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, नींबू और काला नमक। आप चाहें तो कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चने और गेहूं में हम प्याज डालेंगे, इसके साथ ही डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, इसके साथ डालेंगे काला नमक और नींबू निचोड़ देंगे, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छा सा हेल्दी सा टेस्टी गेहूं और काले चने का सैलेड तैयार है। आप इसे बनाएं, खाएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।